त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि शिवजी के कहने पर माँ गंगा गोदावरी नदी के रूप में धरती पर अवतरित हुई, और माँ गंगा के कहने पर भगवान शिव ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये कहानी है गौतम ऋषि की, जो कि अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे। एक बार इस स्थान पर कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ पर सूखा पड़ने लगा और यहाँ के स्थानीय निवासी और जीव जंतु इस जगह को छोड़ के जाने लगे। यह देख गौतम ऋषि काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वरुण देवता ने उन्हें दर्शन दिए और वरुण देवता ने गौतम ऋषि से कहा कि आप यहाँ पर एक गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे को मैं पानी से भर दूंगा, जिससे कि इस स्थान पर कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। तब गौतम ऋषि ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उस गड्ढे को पानी से भर दिया। इसके बाद वह स्थान एक बार फिर से हरा भरा हो गया और जीव जंतु वहाँ पर वापस लौट के आने लगे। किंतु एक दिन गौतम ऋषि के कुछ शिष्य उस गड्ढे के पास पानी लेने गए और उसी समय कुछ अन्य ऋषियों की पत्नियाँ वहाँ पर पानी लेने आईं और दोनों में बहस हो गई कि पहले पानी कौन लेगा। तब पास ही में गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या खड़ी थी और उन्होंने कहा कि इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है और ये शिष्य यहाँ पर पहले आए थे तो इन्हें पहले पानी लेने दिया जाए। इस पर उन ऋषियों की पत्नियाँ काफ़ी क्रोधित हुईं और उन्होंने जाकर के ये पूरा किस्सा अपने पतियों को सुनाया। इस पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने का सोचा। तब उन्होंने मिलकर के गणेश भगवान की आराधना करनी शुरू कर दी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर उन ऋषियों ने कहा कि हम गौतम ऋषि को सबक सिखाना चाहते हैं। तब गणेश जी ने ऋषियों को समझाया कि गौतम ऋषि ने इस स्थान का उद्धार किया है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वह ऋषि अपनी जिद पर अड़े रहे और अंत में गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन गणेश जी ने उन्हें समझाया कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर एक दिन गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप लिया और वह गाय गौतम ऋषि के खेत में चली गई। जैसे ही गौतम ऋषि उस गाय के पास आए, उस गाय ने अपने प्राण त्याग दिए और तब वहीं पर ही छुपे अन्य ऋषि गौतम ऋषि के सामने आ गए और उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ हत्या करने का पाप लगा दिया और उन्हें काफ़ी लज्जित किया। इस पर गौतम ऋषि ने खुद को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने का उपाय पूछा और तब अन्य ऋषियों ने गौतम ऋषि से कहा कि आप 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ, फिर वापस आकर के 1 महीने का व्रत रखो और उसके बाद 100 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो, या फिर यहाँ पर गंगा जी के जल से स्नान करो और 1 करोड़ शिवलिंग बना करके उनकी आराधना करो, तब आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होगे। गौतम ऋषि ने पाप से मुक्त होने के लिए गंगा जल से स्नान करने के बाद 1 करोड़ शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा करी। इसमें देवी अहिल्या ने भी गौतम ऋषि का साथ दिया। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को दर्शन दिए। गौतम ऋषि ने शिवजी से कहा कि आप मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्त करें। इस पर शिवजी ने गौतम ऋषि को बताया कि आप सदैव ही निष्पाप थे और इन ऋषियों ने आपके साथ छल किया है। तब गौतम ऋषि ने कहा कि यदि ये ऋषि ऐसा नहीं करते तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। और गौतम ऋषि ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यहाँ पर आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा, जिस पर माँ गंगा ने शिवजी से कहा कि मैं यहाँ तभी निवास करूँगी अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर शिवलिंग के रूप में निवास करेंगे। तब शिवजी ने कहा तथास्तु
और यहाँ पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस तरह से यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस स्थान पर माँ गंगा गोदावरी के रूप में विख्यात हुई। गोदावरी को दक्षिण गंगा और गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के पास है और यहाँ पर तीन छोटे छोटे शिवलिंग हैं जिन्हें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है।